आज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की आज जयंती है। उन्होंने अपना सारा जीवन वेद, दर्शन, धर्म, भाषा, देश, स्वतंत्रता, समाज की बदतर हालात को सुधारने और समाज में फैले अंधविश्वासों और पाखंडों और बुराइयों को दूर करने में लगा दिया था। ये शरीर नश्वर है, हमें इस शरीर के जरिए सिर्फ एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है। क्रोध का भोजन विवेक है, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये अनमोल वचन स्वामी दयानंद सरस्वती की है, आर्य समाज के संस्थापक, आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और देशभक्त स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। उन्होंने ही 1874 में आर्य समाज की स्थापना की थी। जब भारत पर अंग्रेजों का असर बढ़ रहा था, तब भारत को एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी जो उन्हें राह दिखा सके, उन्हें एक रख सके, और इस काम को किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जिस आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की, उसका मकसद था समाज में जागरूकता लाना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज को एक नई दिशा और वैदिक ज्ञान का महत्व समझाया। उन्होंने अपने विचारों से समाज को धार्मिक आडंबरों से दूर रहने की सीख दी। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, वर्ण भेद का जहां विरोध किया, तो वहीं विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा और समानता और एकता का पुरजोर समर्थन किया। 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी बातें आज भी प्रासंगिक है। न्यूज साइंटिस्ट, डी न्यूज़।